नहीं किया है, ठीक है? अगर किसी को डाउट पूछना होगा अपना हैंड रेज करेगा वो, ओके? और वीडियो अपना सब लोग ऑन रखेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने फोर्स पढ़ा। फोर्स में हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, पुश और पुल। मैं रिवीजन के साथ ही पढ़ा पाऊंगा, ऐसे मेरे से होगा नहीं। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। आधे घंटे पौने घंटे का तो रिवीजन होगा, मतलब दो सेशन होंगे हमारे 40-40 मिनट के। आज की क्लास में थोड़ा सा इश्यू आ गया है जूम में, तो पुश और सॉरी 40, पहले 40 मिनट में मैं रिवीजन कराऊंगा, नेक्स्ट 40 मिनट में नया पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो फोर्स पढ़ रहे थे। फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल, ठीक है? इसमें हमने कई तरीके के फोर्सेस देखे, मेनली दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? अच्छा, फोर्स करता क्या क्या है, उससे पहले फोर्स करता क्या क्या है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और क्या कर सकता है, तीसरा कॉज अ बॉडी एट रेस्ट टू मूव, चौथा कॉज अ मूविंग बॉडी टू कम टू रेस्ट, पांचवा चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, और छठा कैन कॉज ऑल और सम ऑफ द अबव मेंशन्ड इफेक्ट्स। फोर्स पुश और पुल होता है और ये काम वो कर सकता है, इतना सब लोगों को पता है, जो सब लोगों को पता है। इसके बाद फोर्स फोर्स को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन से? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आया था बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे, आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे मुझे मालूम है, जो भी हैंड रेज करेगा उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? मस्कुलर फोर्स था, और क्या था? मस्कुलर, फ्रिक्शनल और नहीं था। नॉन कॉन्टेक्ट में क्या क्या था? ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, राइट? न्यूक्लियर रहने दो, मत लिखना, ठीक है? आपकी बुक में तो नहीं है शायद, तो लिखना मत, ठीक है? तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में ये है। वैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेज में बहुत सारी चीजें और भी, दो मतलब मेनली दो ही, मेनली तीन तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है? आपको पढ़ाया जाता है मस्कुलर, बट असली में कहना चाहिए क्या, मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ टॉपिक से, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोगों के सिलेबस से, आगे जा रहा हूँ, ठीक है बेटा? ये सब आप पढ़ चुके हो ना, तो मैं अगला टॉपिक जो जा रहा हूँ थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ठीक है बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स आप लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे? मस्कुलर फोर्स लिखोगे और क्या लिखोगे? फ्रिक्शन लिखोगे स्कूल के एग्जाम में। बट होता कौन कौन सा है? पहला है टेंशन। क्या है? टेंशन। एक फोर्स का नाम होता है टेंशन फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है ना, रस्सी जो फोर्स अप्लाई करती है, स्ट्रिंग या रोप ले लो, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं?
टेंशन फोर्स है, कौन सा फोर्स कहते हैं टेंशन फोर्स। आप एक चीज समझिए, मेरे पास ये बॉक्स है और ये ग्राउंड है, ठीक है। इस बॉक्स को अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, है ना। यू कैन नॉट, अगर बोल नहीं सकते तो नॉट तो कर सकते हो सब लोग। ये बॉक्स क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, राइट। पर अगर मैं, क्यों गिरेगा नीचे, क्योंकि ग्राउंड इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। है ना, अगर इसका मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा m इंटू जी होता है, जहां g होता है 9.8, ठीक है। वैसे तो इसका यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेकिन आपको अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो क्या करना है, mg कर देना। मतलब कि अगर 5 किलोग्राम का फोर्स का मास है तो फोर्स ग्रेविटेशनल को कितना हो जाएगा, 5 into 9.8, दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन। इसके पीछे ये समझाने के पहले काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन आते हैं, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ, ऐसा इतना याद रख लो तो आगे की चीज़ समझ लो। m इंटू जी से आपका फोर्स निकल जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड इस बॉक्स को नीचे खींच रहा है ना। लेकिन अगर मैं छत से, रूफ से एक स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक को बांध दूं, मतलब स्ट्रिंग से ब्लॉक को बांध के छत से टांग दूं, रूफ से टांग दूं, तो क्या अभी भी ये ब्लॉक गिरेगा नीचे, आया ना। अभी भी ये ब्लॉक नीचे गिरेगा क्या, हैंड रेज मतलब हाँ, और हैंड रेज मतलब, हैंड रेज नहीं का मतलब ना, ठीक है। बहुत लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, बोल रहे गिरेगा, नहीं गिरेगा ना भाई, रस्सी रोक लेगी ना गिरने से, रस्सी रोक लेगी इनको गिरने से। यू कैन नॉट अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, मैंने आपको डिसेबल कर रखा है अनम्यूट करना, बट मैं चाहूं तो अभी क्या हो रहा है, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं रस्सी से बांधूंगा तो नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगना इस पर बंद हो जाएगा, नहीं वो तो है नहीं, अर्थ तो लगातार फोर्स लगाती रहेगी नीचे की तरफ। लेकिन अब ये बॉक्स अगर नहीं गिर रहा है तो इसका एक कारण है, क्या कारण है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की वजह से नहीं गिर रहा ना, अगर स्ट्रिंग को काट दूंगा तो फिर से गिर जाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग कुछ कर रहा है जिसकी वजह से ये बॉक्स गिर नहीं पा रहा। क्या कर रहा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बेटा इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग भी इस पे फोर्स लगा रहा है, स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, अर्थ इसको पुल कर रही है नीचे की तरफ, स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ। इस ऊपर वाले पुल को क्या बोलते हैं, टेंशन कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करें। ये जो टेंशन फोर्स टी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी को बैलेंस करता है, समझ में आई बात, आया ना। नॉट कर सकते हो ना सब लोग वीडियो में, हाँ तो बोल सकते हो ना, यस सर, हाँ समझ में आ गई बात। सो टेंशन टी जो है वो उस स्ट्रिंग, इस ब्लॉक को नीचे गिरने से रोक रहा है, मतलब रस्सी एक फोर्स लगा रही है, स्ट्रिंग फोर्स लगाता है, ठीक है। कैसे लगाता है देखते हैं, मान लेते हैं ये स्ट्रिंग है और हम इस पर सॉरी स्ट्रिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर खेल रहे, तो एक लड़का इधर से खींच रहा है और दूसरा लड़का इधर से ऐसे खींच रहा है रस्सी, समझ में आ रही बात, डायग्राम समझ में आ रहा है, हाँ बोल दो, ठीक। सो ये जो दोनों बच्चे हैं ये इस रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो समझिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ए ने स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचा,
तो स्ट्रिंग ए को उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है, स्ट्रिंग ए पे फोर्स लगाता है इस तरह, ठीक है, और बी पर स्ट्रिंग इधर फोर्स लगाता है। इन दोनों फोर्सेस का नाम क्या है? टेंशन टी। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग इस केस में सिर्फ बॉक्स को ऊपर खींच रहा है, स्ट्रिंग इस रूफ को भी नीचे खींच रहा है। समझ में आया? अगर आप यहां से रूफ तोड़ दोगे तब भी तो नीचे गिर जाएगा ना पूरा बॉक्स। अगर रूफ को तोड़ दोगे तो बॉक्स नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ बोल दो, है ना? तो मतलब क्या है, बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है ये रूफ को भी नीचे खींच रहा है और रूफ स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहा है, ये सिचुएशन बन रही है। रस्सी हमेशा अपने दोनों एंड पे फोर्स लगाएगी, दोनों एंड पे फोर्स रस्सी अंदर की तरफ लगाएगी। समझ में आया? इस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन नाम है इसका। क्या नाम है? टेंशन। ओके बेटा, रस्सी फोर्स कैसे लगाती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रस्सी दोनों एंड पे अंदर की तरफ फोर्स लगाती है। ओके, अगर आप इस रस्सी से, मान लीजिए एक लड़का, इस ये बी लड़का नहीं है, मान लेते बी बैल है, तो रस्सी बैल को खींच रही कि नहीं खींच रही? है ना? स्ट्रिंग दोनों एंड पे फोर्स लगाता है। स्ट्रिंग क्या करेगा इस केस में? बॉक्स को ऊपर खींचेगा, रूफ को नीचे खींचेगा। इस केस में ए को इधर खींचेगा, बी को इधर खींचेगा। समझ में आई बात? आया ना? क्लियर है ना भाई? ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्स में एक फोर्स हुआ टेंशन, दूसरे फोर्स का नाम है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब समझते हो क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है? मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि लेट से ये मेरे पास एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, ये बुक फिजिक्स की मान लेते हैं, ठीक। तो इस बुक का कुछ मास होगा m, इस बुक को हमारा ये जो ग्राउंड, जो अर्थ है वो नीचे की तरफ पुल करेगा। कितने फोर्स से पुल करेगा? सर मास अगर m है तो mg फोर्स से ये पुल करेगा, है ना? ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इस फोर्स की वजह से इस फिजिक्स की बुक को नीचे जाना चाहिए, और चला भी जाता है अगर टेबल नहीं होता तो। मतलब इसको नीचे जाने से किसने रोका? कौन बेटा बार बार चला जा रहा है बाहर मीटिंग रूम से? चलो मैं एक काम कर रहा हूं, अभी के लिए आप लोगों का ऑन कर दे रहा हूं चैट, ओके, आपको अनम्यूट करना अलाउ कर दे रहा हूं, ठीक है? अपना अपने आपको अनम्यूट करके बात कर सकते। सो यहां क्या हुआ, फिजिक्स की बुक पे नीचे की तरफ फोर्स लगा mg, इस फोर्स की वजह से ये बुक नीचे गिरनी चाहिए थी, पर रोका किसने? टेबल ने रोका। टेबल ने इसे नीचे गिरने से कैसे रोका? टेबल ने इस बुक पर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। इस फोर्स का नाम क्या दिया हम लोगों ने? एन बोला, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। बोलिए बेटा। डिस्कनेक्ट हो गए, ओके। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके बुक सिलेबस से थोड़ा बाहर है, मैंने क्या बताया तुरंत फटाफट एक बार रिवीजन कराया था, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बता देता हूँ। मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने तो पढ़े थे मस्कुलर और एक तो मस्कुलर पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन, है ना? टेंशन तक हम समझ गए, उसके बाद अभी क्या हुआ है? अच्छा, अभी जस्ट डिस्कनेक्ट, ठीक है।
तो मैं कह रहा था स्ट्रिंग जो है वो दोनों तरफ फोर्स लगाती है, उसका नाम है, उस फोर्स का नाम है टेंशन। लेकिन वैसे ही अगर मैं एक बुक को यहां रखूं तो अर्थ इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा एमजी, जिसकी वजह से ये बुक नीचे जाना चाहेगी, पर इसको नीचे जाने से ये टेबल रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स, बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? ये अपवर्ड फोर्स नहीं है, बेसिकली टेबल का जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? तो ये फोर्स हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? तो दूसरे टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स। एक हो गया टेंशन, एक हो गया नॉर्मल, ठीक है? एक हो गया टेंशन, एक हो गया नॉर्मल, दो तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देखे। अब इसके बाद ये नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये टेबल की जगह कोई इंक्लाइंड बोर्ड होता, मान लेते हैं आपने एक लकड़ी का पाटा लिया, लकड़ी का क्या बोलेंगे उसे, एक लकड़ी ली, लकड़ी का प्लेटफॉर्म लिया, उसको आपने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इस तरीके से। इसके ऊपर अगर आप एक बॉक्स रखोगे तो इस बॉक्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीधे नीचे लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो ऐसे लगेगा, टेढ़ा लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आई बात? आया ना? तो आप बोलोगे सर फिर इसको नीचे गिरने से कौन रोक रहा है? तो कहाँ रोकता है? ये तो फिसल के नीचे चला जाता है ना, है ना? अगर ये सरफेस स्मूथ हुआ तो फिसल के नीचे चला जाएगा, और अगर सरफेस स्मूथ नहीं हुआ तो इसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। कौन रोकेगा? फ्रिक्शन, ठीक है? तो हमारे पास दो फोर्सेस हो गए हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, टेंशन और नॉर्मल, ठीक है? यहां पर इस केस में अगर मैं नॉर्मल फोर्स निकालना चाहूं तो नॉर्मल फोर्स इज बैलेंसिंग एमजी, सो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू एमजी। पिछले केस में यहां पर जो टेंशन था वो टेंशन एमजी को बैलेंस कर रहा था, इस केस में ये नॉर्मल फोर्स एमजी को बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए ब्लॉक, ये जो बुक है, ये नीचे नहीं गिर रही। समझ में आई बात? हाँ या ना? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसका नाम हम कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। कई बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक साथ एक से ज्यादा फोर्स लगता है, और वो फोर्सेस अगर एक दूसरे को काउंटर कर दें, कैंसिल कर दें, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। उस केस में आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और हम कहेंगे कि फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या यहां पर एमजी और नॉर्मल बैलेंस्ड है? नहीं है। अगर बैलेंस्ड होते तो फिसल के नीचे नहीं आता। हाँ, अगर फ्रिक्शन की वजह से सच में नीचे नहीं आ रहा तो फ्रिक्शन, नॉर्मल और एमजी मिलके क्या हो जाएंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है कि लेट से ये बॉक्स है, इस बॉक्स को एक लड़के ने इधर खींचा, दूसरे लड़के ने इधर खींचा, तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हुए, F1 और F2 इक्वल हो गए, तब तो क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। मान लेते हैं F1 F2 से बड़ा है तो ब्लॉक किधर स्लाइड करेगा? इधर स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? है ना? उस केस में हम बोलेंगे फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आप ठीक है, ठीक है बेटा। बिल्कुल अच्छा, लिखिए। समझ में आ गया था ना टेंशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है? हो गया? तो F1 और F2 एक दूसरे को बैलेंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर इक्वल हो तो बैलेंस हो जाएंगे, उस केस में हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है?
ओके, तो ये नॉर्मल फोर्स हुआ। अगला जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन क्या करता है ध्यान दीजिए, इट अपोजेस स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेस। दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग को ये रोकता है, फिसलने को रोकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि लेट से ये मेरे पास फ्लोर है और इसके ऊपर ये एक हेवी बॉक्स रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस पे एकदम जरा सा हल्का सा एक फोर्स लगाऊं तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इस फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। देखो, इस फोर्स की अगर ये मान लेते फ्रिक्शन नहीं होता, एकदम सरफेस स्मूथ होता, समझ लेते आइस के ऊपर रखा हुआ, ठीक है, नॉर्थ पोल लगाए आइस पे रखा है, वहां पर अगर फोर्स लगाता तो हल्के से फोर्स से ही मूव कर जाता, करता कि नहीं? देखो, जब मैं बोलूंगा आइस तो आपको मानना है कि फ्रिक्शन एकदम जीरो है, एकदम जीरो नहीं होता वहां पे भी, पर हम मानेंगे एकदम जीरो है। ठीक है, तो अगर एकदम जीरो फोर्स, जीरो फ्रिक्शन होता तो एकदम जरा सा फोर्स एक ऐसे करके मार भी देते तब भी ये फिसल जाता, राइट? लेकिन हमारे नॉर्मल फ्लोर्स पे ये उतनी आसानी से नहीं फिसलेगा। क्यों नहीं फिसलेगा? क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है, बेसिकली इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करवा रहा है। करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? है ना, ये स्लाइड करवा रहा है। तो फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, मैं स्लाइड नहीं होने दूंगा। फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, कितना एक्ट करेगा? तो दिस फ्रिक्शन विल बैलेंस आर फोर्स एफ। दिस इज नॉट स्लाइडिंग। स्लाइड नहीं कर रहा मतलब क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस है ना। ये फ्रिक्शन एफ को बैलेंस कर देगा। इस तरीके के फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां पे स्लाइडिंग नहीं हो रही होती। एज देयर इज नो स्लाइडिंग, जहां पर दो सर्फेसिस के बीच में स्लाइडिंग करने की टेंडेंसी हो, स्लाइडिंग करने की इच्छा हो, पर फ्रिक्शन स्लाइडिंग होने ना दे, तो ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, वहीं पर ऐसा केस भी आपने देखा होगा जिसमें कि एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक स्लाइड करते हुए जा रहा है वेलोसिटी वी से, स्पीड वी से, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जाकर यहां रेस्ट पे आ गया, है ना? होता है कि नहीं होता? किसी चीज को धक्का दे दो थोड़ी देर बाद रुक जाता ना वो। किसने रोका? तो सर फ्रिक्शन ने रोका। जब स्लाइडिंग हो रही थी ना तो एक फ्रिक्शन लग, समझ में आई बात? यहां पर स्लाइडिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे में जो आपका फ्रिक्शन है इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसका नाम। ठीक है, ये वाला जो फ्रिक्शन है ना, इसका हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है इसका, इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है म्यू इंटू नॉर्मल। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, समझो बात को, पूरी चीज समझते। इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, ऊपर की तरफ ग्राउंड नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना?
इस केस में क्योंकि ब्लॉक सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इसलिए आपका ये जो नॉर्मल है ये किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, और जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू नॉर्मल होगा जो कि म्यू एम जी के बराबर होगा। यहां म्यू क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आई बात? तो हमारे पास दो तरीके के फ्रिक्शन हो गए, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फोर्स होगा उसको बैलेंस कर देगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला फिक्स्ड है, फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन निकालने से पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। इसको कॉपी करेंगे और बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है बेटा, वैसे 11th क्लास के बच्चे भी काफी कंफ्यूज होते हैं फ्रिक्शन में ये सब पढ़ने में, बट मैं 8th क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आई होप आप लोग समझ पाएं। वैसे 11th क्लास में आते आते बच्चे ज़्यादा नालायक हो जाते हैं, उनको लगता है 10th का बोर्ड पास कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, पढ़ते नहीं है इसलिए समझ नहीं आता हूँ। ठीक है, आप लोग समझदार हो, अच्छे बच्चे हो, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी हो गया सबका, कॉपी हो गया, किसी का नहीं हो तो बता दो। तो देखो भाई, मैं आपको क्या, मैंने आपको अभी तक क्या समझाया नहीं हुआ है, हो गया ठीक। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, देखो एक फ्लोर है जिस पे एक भारी बॉक्स रखा हुआ है और मैं इस पे एक बहुत छोटा सा फोर्स लगाता हूं, तो ये ब्लॉक आगे मूव नहीं कर पाता क्योंकि इस पे एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है एफ। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, और ये उतना ही लगता है जितना हम ये फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स एफ। और मैंने आपको बताया कि अगर उसी सरफेस पे वो ब्लॉक पहले से मूव कर रहा हो, क्या अभी भी इस पे एम जी लग रहा है, ऐसा नहीं कि एम जी नहीं लग रहा, एम जी भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, नॉर्मल अभी भी एम जी के बराबर है, यहाँ पर भी इस पे ऊपर एम जी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल अभी इस केस में एम जी के बराबर है। हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं नॉर्मल का एम जी के, बट हम लोगों को इतना आता नहीं, जिस वो केस हम लोग देख नहीं सकते अभी क्लास 8th में जिसमें नॉर्मल और एम जी इक्वल ना हो। तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, और इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी है तो ये स्लाइडिंग हो रही है, तो इस केस में इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, दिस फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे मिलता है, तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन मिलता है म्यू इंटू नॉर्मल से, जहां म्यू एक कॉन्स्टेंट है, म्यू एक कॉन्स्टेंट है फॉर पेयर ऑफ टू सर्फेसेस, अलग अलग सर्फेसेस के बीच में ये म्यू की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, पर अगर आपके पास एक पेयर है, मतलब ये वाला वुडन ब्लॉक है और ये वाला फ्लोर है, तो उसके लिए म्यू की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इसका नाम होता है, नाम थोड़ा ऐसा है कि आपको शायद याद करने में दिक्कत हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है,
समझ में आई बात? ये फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है। ओके, म्यू आपका कुछ भी हो सकता है, म्यू आपका 0.1 हो सकता है, किसी और केस में म्यू 0.4 हो सकता है, किसी और केस में म्यू 0.9 हो सकता है, कुछ केसेस में म्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग केसेस में म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। ये कॉपी नहीं करना है, बस समझा रहा हूं। ठीक है, बट फॉर अ पेयर ऑफ सर्फेसेस दिस म्यू इज अ कॉन्स्टेंट। अब मेरे पास एक और केस है, ये बॉक्स है, भारी, बढ़िया बात है, नीचे फ्लोर है वो भी बढ़िया बात है, लेकिन इस पर जो मैंने फोर्स अप्लाई किया ना, ये मैंने बड़ा फोर्स अप्लाई किया। अगर मैं बड़ा फोर्स अप्लाई करूंगा तब ये बॉक्स स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? तो सर अब फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। दिस स्टार्ट स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो ये फ्रिक्शन कितना होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा हमेशा म्यू इनटू नॉर्मल के बराबर ही होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यार स्टैट, अब समझो बात को, एक प्रॉब्लम हो गई मुझे। क्या हो गई सर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है सर कि देखो सर, ये बॉक्स है, मैंने इस पे छोटा सा फोर्स लगाया तो मूव नहीं किया, थोड़ा और बड़ा फोर्स लगाया तो मूव नहीं किया, थोड़ा और बड़ा फोर्स लगाया तो भी मूव नहीं किया, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। हाँ या ना? है ना, एक लिमिट से बड़ा फोर्स लगाने पे ब्लॉक मूव करेगा। सर कितना फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, मतलब कितना, किस केस में फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से बदल के काइनेटिक फ्रिक्शन में हो जाएगा, कब बदलेगा ये मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? हमारे पास बनता है ना कि फ्रिक्शन कब काइनेटिक होगा? ये क्वेश्चन तो बनता है, दिमाग में आना चाहिए, स्टैटिक से कब चेंज होकर काइनेटिक होने का। तो देखो भाई, आप यहां पर जितना भी फोर्स लगा रहे थे उस फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर, ठीक है। स्टैटिक के केस में क्या हो रहा था? स्टैटिक केस में आपका जो फ्रिक्शन है वो फोर्स को बैलेंस कर रहा था, यही था ना। नाउ एज एफ इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट? है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन को बढ़ना पड़ेगा। बट फ्रिक्शन की एक लिमिट है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ पाता है, कॉल्ड, क्या कहते हैं उस लिमिट को? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आई बात? आया ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा ना यार, अगर आप मान लो घर में मम्मी के हेल्प कर रहे हो किसी भारी सामान को मूव करने में, मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हो, तो फोर्स लगाते रहते, थोड़े फोर्स से मूव नहीं करता, सडनली एकदम से मूव कर जाता है। आया ना? धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओगे तो सडनली एक लिमिट पे आके,
द्वारा बेटा एक्चुअली जो मेरा अकाउंट है ना जूम का वो लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो मैं भी बस काम चला जूम चला रहा, ठीक है जल्दी खत्म होगी मीटिंग। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आप घर में भारी ऑब्जेक्ट को फोर्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा, सडनली वो मूव कर जाता है एक लिमिट से ऊपर फोर्स लगाने पर, है ना। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है जब फ्रिक्शन, जब जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा था, बट एक लिमिट से ज्यादा फ्रिक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कितना होता है मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ध्यान दीजिएगा, ये म्यू इंटू नॉर्मल ही होता है, ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसा समझो कि मान लेते हैं म्यू इंटू नॉर्मल हमने कैलकुलेट कर लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 100 न्यूटन, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, टेन न्यूटन लगेगा, क्योंकि 10 न्यूटन इज नॉट सफिशियंट टू मूव द ब्लॉक, है ना। तो उस केस में क्या करेगा, आपका फ्रिक्शन सिर्फ आपके फोर्स को बैलेंस कर देगा, राइट, समझ में आई बात, जो इस केस में हो रहा है, हमने फोर्स कम लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है, हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन फ्रिक्शन भी बढ़ गया 20 न्यूटन, हमने फोर्स लगाया 30 न्यूटन फ्रिक्शन भी बढ़ के हो गया 30 न्यूटन, हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन फ्रिक्शन बढ़ के हो गया 50 न्यूटन, हमने फोर्स लगाया 80 न्यूटन फ्रिक्शन बढ़ के हो गया 80 न्यूटन, हमने फोर्स लगाया 90 न्यूटन फ्रिक्शन भी हो गया 90 न्यूटन, हमने फोर्स लगाया 95 फ्रिक्शन 95, हमने फोर्स लगाया 99 फ्रिक्शन 99, हमने फोर्स लगाया 100 तो फ्रिक्शन हो गया 100 न्यूटन, समझ में आई बात, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी 100 न्यूटन थी। अब आप जैसे ही फोर्स बढ़ा के करते हो 101 न्यूटन, क्या होगा, फ्रिक्शन 101 हो नहीं सकता क्योंकि उसकी तो लिमिट है, तो फ्रिक्शन 100 ही रह जाएगा, समझ में आई बात। नहीं, मैंने बोला लेट से म्यू इंटू नॉर्मल जो हमने कैलकुलेट किया ना उसकी वैल्यू, मैंने बोला लेट से इसको जो हमने कैलकुलेट किया, लेट से ये नंबर 100 आया, लेट से ओके, ये 150, ये नंबर 50 भी आ सकता था, ये नंबर 500 भी आ सकता था, ठीक है, बट लेट से ये नंबर 100 आया, तो मैं ऐसे में अगर 10 न्यूटन लगाऊंगा फोर्स, ये वाला फोर्स, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगेगा, 20 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन लगेगा, फिर 40 न्यूटन लगाऊंगा तो 40 न्यूटन, 90 लगाऊंगा तो 90, 95 लगाऊंगा तो 95, 99 लगाऊंगा तो 99, ओके, 100 लगाऊंगा तो 100, अभी तक ब्लॉक मूव नहीं करे, लेकिन जैसे ही मैं 101 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा वैसे ही क्या होगा, फ्रिक्शन अब बढ़ नहीं सकता, फ्रिक्शन तो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है ना बेटा 100 तक, तो आपका फोर्स जो है वो फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा और ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, समझ में आई बात, हाँ या ना, पक्का। इस तरीके से फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है बेटा। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए बेटा। सर अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्या, क्या? बेटा देखो, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता। हाँ, हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है ना? हाँ सर। तो इसलिए मास बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ेगी, समझ में आई बात। कहने का मतलब लेट से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से ये बॉक्स है, इसका मास है लेट से 10 kg, ये दूसरा बॉक्स है सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसका मास है लेट से 20 kg। मान लेते हैं दोनों केस में जो म्यू की वैल्यू है 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5, एंड लेट से जी जो है अपना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैसे मैं 9.8 लिखा है था बट मैंने मान लिया 9.8 अप्रॉक्सिमेटली 10 के बराबर है तो 10 मान लेते, तो यहां पर mg कितना लगेगा, कितना होगा mg, 100 न्यूटन होगा, yes. 10 into 10, तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये आपका mg को बैलेंस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन, राइट, यहां कोई दिक्कत नहीं है।
इस केस में सिमिलरली आपका mg आएगा कितना 200 न्यूटन और नॉर्मल फोर्स इसलिए कितना आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स भी आ जाएगा 200 न्यूटन, राइट? अब देखो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा यहां पे वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज 50 न्यूटन, और यहां पे लिमिटिंग फोर्स कितना आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। समझ में आई बात? यस सर। तो यहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 50, यहां पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 100। लेकिन एक चीज समझिए, मैंने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इस पे भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो क्या ये फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट है? नो सर, नहीं है। तो इसलिए इन केसेस में जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ वो क्या करेगा, बस इन 10 न्यूटन को बैलेंस कर देगा। यहां पर भी जो फ्रिक्शन आएगा वो 10 न्यूटन होगा, यहां पर भी जो फ्रिक्शन आएगा वो 10 न्यूटन होगा। इसलिए ये कहना गलत है कि मास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। हाँ, मास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। कहने का मतलब अगर मेरा ये जो फोर्स है, अगर मेरा ये जो फोर्स है ये 60 न्यूटन हो जाए तो यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, वो 50 न्यूटन ही लग सकता है, क्योंकि उससे तो हो नहीं सकता, ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर अगर फोर्स मेरा 60 न्यूटन होगा तो क्योंकि ये 60 न्यूटन अभी भी आपके फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है, ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा और आपका फ्रिक्शन बस इस 60 न्यूटन को बैलेंस कर देगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये वाला स्टैटिक। इसको मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये 60 न्यूटन मूव कर चुका है, ये 60 न्यूटन मूव नहीं करेगा, इसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ में आया फ्रिक्शन कैसे काम करता है? यस सर। सबको? यस सर। अगर फोर्स, लेट्स से अगर मेरा फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूं कैपिटल एफ, वो लेट्स से यहां पे 120 न्यूटन हो जाए तो यहां पे फ्रिक्शन कितना होगा सर, 50 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और अगर यहां पर यही फोर्स मेरा 120 न्यूटन हो जाए तो यहां पे फ्रिक्शन कौन सा होगा, कितना हो जाएगा, यहां पे फ्रिक्शन 100 न्यूटन ही हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। इस केस में ये फ्रिक्शन भी काइनेटिक है, ये वाला फ्रिक्शन भी काइनेटिक है, दोनों ही ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देंगे अगर 120 न्यूटन का आप फोर्स अप्लाई करते हो तो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं हुआ क्लियर? फ्रिक्शन कैसे काम करता है, क्लियर है? ठीक है फिर। मैंने सोचा था कि ये सब आपको नहीं बताऊंगा, पर मेरा मन नहीं माना, जब फ्रिक्शन शुरुआत हुआ तो कर लेते। वैसे आपके जो इधर उधर जो थोड़े बड़े छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते रहते हैं उनमें ये फ्रिक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेने से आपको फायदा ही होगा। चलो फिर, फ्रिक्शन हो गया तो हमने तीनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस देख लिए, राइट, है ना। टाइप ऑफ फोर्सेस में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस देख लिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है ना बेटा। तो यस सर। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पढ़े हमने अभी तक, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन, पुश और पुल। फोर्स क्या कर सकता है, मैंने 6 पॉइंट्स लिखाए थे, फोर्स ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है ना। फिर फोर्स के टाइप्स क्या क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं बताइए तो जरा, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। पर आप स्कूल में क्या लिखोगे, मस्कुलर एंड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन होते कौन, कॉन्टैक्ट फोर्स होता कौन कौन सा है, टेंशन, नॉर्मल और फ्रिक्शन। आप बोलोगे सर टेंशन नॉर्मल आपने बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स है, अच्छी बात है, मस्कुलर भी तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, आया ना। नहीं देखो, मस्कुलर ना,
मस्कुलर फोर्स जो होगा या तो नॉर्मल फोर्स के फॉर्म में लगाओगे या टेंशन के फॉर्म में लगाओगे, समझे बात को? आप अगर किसी चीज को पुल कर रहे हो तो आपका हाथ एक तरीके से रस्सी की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. आपका हाथ उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है और आपको आगे की तरफ पुल कर रहा है, ये एक रस्सी है। ये जो फोर्स लगा रहा है कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर हाँ, मसल्स लगा रहे हो फोर्स, जैसे वहां पे रस्सी लगा रही थी फोर्स, यहाँ पे मसल्स लगा रहे हैं, बट फोर्स कौन सा है? टेंशन है। समझ में आई बात? जब आप किसी को बॉक्स को धक्का लगा रहे हो तो आपका हाथ उस बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। समझ में आई बात? अगर आप अपना पेन ऐसे पकड़ रहे हो तो पेन नीचे जाना चाहता है, इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है ना। आपने इसको दबा के नॉर्मल फोर्स लगाया, प्रेस करके आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फ्रिक्शन इसको नीचे जाने से रोक रहा है। समझ में आई बात है या ना? ओके, तो फ्रिक्शन ये फोर्सेस कैसे काम करते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक प्रेशर ही बचा है, प्रेशर शुरू करते हैं। प्रेशर क्या होता है जरा सोच के देखो। नहीं सुनो बात, एक चीज समझिए। आपने कभी नोटिस बोर्ड तो देखा ही होगा स्कूल में, देखा है कि नहीं देखा? यस सर। नोटिस बोर्ड में कोई नोटिस कैसे लगाते हैं? सर एक पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक पिन लगा देते हैं, राइट? है ना? यस सर। पिन को पीछे देखो तो ऐसा गोल होता है, लेकिन अगर साइड से देखोगे पिन को तो पिन कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है पिन? हाँ ना? Yes, sir. है ना? Yes. आप क्या करते हो, इसको अपने थंब से नोटिस बोर्ड के अंदर प्रेस कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? मतलब आपने नहीं किया होगा, किसी को देखा होगा, है ना? इसको अपने थंब से नोटिस बोर्ड के अंदर प्रेस कर देते हो, तो ये आपके थंब में घुसता है कि नोटिस बोर्ड में घुसता है? नोटिस बोर्ड में घुसता है। क्यों? आपके थंब ज्यादा मजबूत है? क्यों? क्योंकि आपके थंब ज्यादा मजबूत है ना नोटिस बोर्ड से। नहीं, एक काम करो, अगली बार ट्राई करना, ये जो पिन है ना, पिन ऐसी भी दिख सकती है, अलग अलग दिख सकती है ना, एक काम करना अगली बार पिन को थंब से इधर प्रेस करना और यहां से नोटिस बोर्ड रखना, और इधर अगर आपका थंब हुआ तो अब बताइए तो किधर किस में घुसेगी पिन? थंब में घुस जाएगी ना? हाँ या ना? ये क्यों हुआ? एक तरफ से प्रेस कर, आपने बोला शार्प है, है ना? तो शार्प से कुछ इफेक्ट आता होगा, क्या इफेक्ट आता है वो समझना है, ठीक है? क्या इफेक्ट आता है ये समझना है, समझिए चीज। आप हमारे पास एक टर्म चीज होती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? किसी भी सरफेस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? बेसिकली आपका नॉर्मल फोर्स है, मतलब वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है बेटा? अब इस सरफेस का कुछ एरिया भी होगा, ठीक है? तो हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है बेटा? तो सर प्रेशर होता है
सिंपली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, या सिंपली आप इसको फोर्स बाय एरिया भी बोल लेते हो, लेकिन फोर्स का मतलब एफ कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है, सरफेस के परपेंडिकुलर या सरफेस के नॉर्मल फोर्स है। समझ में आई बात? आया ना? अगर एरिया बड़ा होगा, एरिया अगर इंक्रीज होता है तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? अब समझिए, ये जो आपकी पिन है ना, इस पिन में पीछे एरिया ज्यादा था, इधर एरिया कम है, इसलिए जब आप इसको पीछे से पुश कर रहे हो तो एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लग रहा है, और अगर सामने से पुश करते हो तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और जब प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो वो आपके थंब में घुस जा रहा है। समझ में आई बात? सर, आगे प्रेशर ज्यादा है इसलिए घुस जा रहा है। समझ में आया? तो इसको सब लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे। बेसिकली इधर क्या है, लो प्रेशर है, और इधर क्या है, हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया कम है। बेटा परपेंडिकुलर, मैं ऐसे परपेंडिकुलर का सिंबल बना के आर लिख देता हूँ, उसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? आप पूरा लिखेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो आगे बढ़े, देखो इसके ना बहुत सारे एप्लीकेशंस, गिनती नहीं है इतने एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस गिनाए एप्लीकेशंस इसके। देखो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार प्रेशर, जरूरत के हिसाब से प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हैं, कई बार प्रेशर को डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है? तो केसेस ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर देखते हैं, कहां कहां पे हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर बाय इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है? हम लोग क्या, कौन सा केसेस देख रहे हैं? वो केसेस जिसमें हम एरिया को इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज करें। सबसे पहला जो आप आजकल तो कम यूज कर रहे हो, बट पहले 2 साल पहले बहुत यूज करते थे, स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग। चौड़े होते हैं ना वो। क्यों होते हैं चौड़े? ताकि एरिया ज्यादा हो, प्रेशर कम लगे, कंधों पे दर्द ना हो। सोचो, जस्ट इमेजिन, उस स्ट्रैप की जगह एक रस्सी लगाए थे पतली सी, स्कूल पहुंचते पहुंचते क्या हालत होती है आपकी? कंधे में दर्द हो जाता है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उसका स्ट्रैप को चौड़ा रखते हैं, ठीक है बेटा? और कैमल्स लेग्स हैव पैडिंग्स। कैमल को हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट शिप कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समझो बात को, आप खुद कभी रेत पे गए हो चलने के लिए, डेजर्ट में या बीच पे कभी गए हो? चलना आसान होता है कि मुश्किल होता है?
मुश्किल होता है, क्यों पता है? क्योंकि जब आप वॉक करते हो आपके पैर डेजर्ट सैंड के अंदर धस जाते हैं, राइट, है ना, तो उसको उठाने में तकलीफ होती है, जूतों में सैंड भर जाता है, बहुत सारे झमेले होते हैं, राइट। बट जूतों में सैंड भर जाता है वो सब तो अपने कैमल के केस में नहीं है, पर क्या है, कैमल के लेग्स सॉफ्ट होते हैं, पैडिंग्स होती है उसमें, जैसे ही वो अपने पैर रेत पे रखता है उसका पैर थोड़ा फैल जाता है नीचे से, एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, समझ में आई बात, एरिया इंक्रीज हो जाता है और उसको वो आसानी से रेत के ऊपर चल पाता है, ठीक है बेटा। और कोई एग्जांपल जहां जो आप खुद बता सको, कुछ भी सोच के बताओ, तो पोर्टर, पोर्टर समझते हो, नहीं समझते हो, कूली, जो कूली होता है जो सामान लेके चलता है, तो पोर्टर्स प्लेस अ राउंड क्लॉथ ऑन देयर हेड्स, समझ में आई बात, क्यों भैया, वो राउंड, जब राउंड कपड़ा लगा लेते हैं तो उसके ऊपर जब सामान रखते हैं तो जो सामान का जो फोर्स है वो पूरे सर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ ऊपर टॉप एक पॉइंट पे लगेगा फोर्स, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, दर्द होगा, ऐसे राउंड क्लॉथ लगाने से क्या है, वो पूरे के पूरे सर पे वो फोर्स स्प्रेड हो जा रहा है, एरिया इंक्रीज हो जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है ना, समझ में आई बात। और कोई एग्जांपल, हाँ वही, मैन कैन वॉक ऑन मल्टीपल नेल्स, है ना, और क्या लिखोगे, और कोई एग्जांपल आप लोग सोच सको सर, लेकिन हाँ चलो ठीक है, और कोई एग्जांपल जहां आप लोग सोच सको जहां एरिया इंक्रीज करते हैं हम लोग, कभी भारी बाल्टी उठाइए कभी पानी भरी हुई, उसको लेके मान लीजिए खूब दूर तक जाना है तो हाथ में दर्द होता है ना, हाँ, तो उससे बचने के लिए आप क्या, एक सेकंड, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक रुमाल लगा सकते हो, है ना, कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो, है ना, तो क्लॉथ इज यूज्ड while lifting heavy bucket, क्यों क्लॉथ क्या करेगा, फोर्स को आपके पूरे हाथ में स्प्रेड कर देगा, ऐसे ही सिर्फ एक ही पॉइंट पे लग रहा था वो फोर्स, क्लॉथ क्या करेगा उस फोर्स को पूरे हाथ में स्प्रेड कर देगा, बेसिकली बेटे जहां पर भी आप सॉफ्ट चीजों का यूज करते हो ना दर्द वर्द से बचने के लिए, वो हर जगह आप यही काम करो, ठीक है। छठा, चुभने से बचने, जहां पे भी आप किसी चीज को चुभने से रोकने के लिए एरिया बढ़ाते हो वो यही एग्जांपल, ठीक है। छठा, वुडन पैडिंग्स बिलो रेलवे ट्रैक, देखा है आप लोगों ने, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे लकड़ी का पूरा पैडिंग लगा रहता है, हाँ सर, मतलब हाँ सर। ये मान लो दो दो ट्रैक्स हैं, हाँ बीच में हम लोग ऐसे पैडिंग्स लगा देते लकड़ी की, है ना, क्यों, देखो देखो ये एरिया इंक्रीज हो गया ना, ग्राउंड पे जो फोर्स लगा रहा था ये रेलवे ट्रैक वो बड़े एरिया में लगेगा, इससे क्या होगा, समझिए बात को, उस रेलवे ट्रैक पे बहुत हेवी हेवी ट्रेन जा रही है,
उस हेवी ट्रेन की वजह से उसका इतना अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके जो ट्रैक्स हैं वो ग्राउंड के अंदर धस जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? टू अवॉइड सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स इन ग्राउंड। देखो जो रेलवे ट्रैक्स है बेटा, उसमें नीचे जो लकड़ी की पैडिंग लगी होती है वो इतनी सारी पैडिंग्स लगा देते हैं हम लोग कि ग्राउंड से जो कांटेक्ट एरिया है वो इंक्रीज हो गया। राइट, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। दो सिंपल रेलवे जो कि जो पटरियां थी उसके मुकाबले ज्यादा एरिया हो गया ना। इससे क्या फायदा हुआ कि जब ट्रेन आएगी तो एरिया ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लगाएगा आपका रेलवे ट्रैक नीचे उसके अंदर घुसने के लिए, वो फोर्स बड़े एरिया में लगेगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और रेलवे ट्रैक ग्राउंड के अंदर घुसेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, ग्राउंड के अंदर घुस जाएगा वो, जहां पे भी थोड़ा सा भी सॉफ्ट ग्राउंड हुआ अंदर घुस जाएगा वो ग्राउंड के रेलवे ट्रैक, फिर ट्रेन कैसे चलेगी? हाँ सर, रेलवे ट्रैक में जो बगल में जो काला रंग का जो पत्थर जैसा होता है वो किस लिए यूज होता है? वो पत्थर भी इसीलिए यूज होता है। ठीक है, हालांकि पत्थर का कुछ और यूज भी है, बस उस लेट्स नॉट गो देयर। ठीक है, अभी हम लोग प्रेशर पे आ रहे हैं, वहां पे फिर लंबी कहानी बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने, अच्छा ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ओके, तो अब देखते हैं फिर। हाँ जल्दी कर लो, कर लो। हो गया? Yes, sir. अब देखते हैं केसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। कई जगह कई बार हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करने की भी कोशिश करते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया। ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एरिया, कहां कहां पर, एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? इसके बड़े सिंपल से एग्जांपल से, हम प्रेशर इंक्रीज क्यों करना चाहेंगे कहीं पर भी? हाँ, मतलब सरफेस को के अंदर छेद करने के लिए, उसे काटने के लिए। राइट, सो सिंपल से एग्जांपल से क्या, पिन इन नोटिस बोर्ड। हाँ, नेल्स, ये तो एक ही हो गया, और नाइफ और सीजर्स है ना, एक्स, हाँ वही काटने पीटने के लिए जो भी कर लो, नाइफ एक्स एक्सेट्रा। ठीक है ना बेटा? और अलग यूज के, थोड़ा डिफरेंट यूज के लिए सोर्ड है ना बेटा? ठीक है, तो ये अपना कुछ केसेस हुए जिसमें हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एरिया। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो देखो प्रेशर होता कितना है,
फोर्स बाय एरिया। तो इसलिए मैं एसआई यूनिट क्या बोल सकता हूं उसकी, एसआई यूनिट समझते हो आप लोग कि नहीं समझते हो? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, फोर्स का मतलब न्यूटन और एरिया का मतलब पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल पी स्मॉल एस। ठीक है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है वैसे ही। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट है, ठीक है, उन यूनिट्स पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करें। कॉपी हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रेशर बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है बेटा, प्रेशर बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस कैसे प्रेशर लगाते हैं ये हमें देखना। ठीक है, ये बेटा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा हुआ क्लास आपका, बट ठीक है, चलो फिर। आज जो पढ़ाया सब समझ में आया? Yes. आपका सिलेबस आगे नहीं बढ़ा, पर मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के यूनिट टेस्ट कब है? यूनिट टेस्ट कब है कुछ पता है? नहीं। अच्छा, यूनिट टेस्ट का सिलेबस पता है फिजिक्स का? Yes. क्या क्या है, फोर्स एंड प्रेशर है और हाँ, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर है, फ्रिक्शन भी है क्या? अच्छा, फ्रिक्शन एक चैप्टर है क्या आपका अलग से? ओहो, अच्छा, तो मैं उस, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाई दिया मोस्टली उसमें, उसका मैं फिर उसको वापस देख लूंगा, मतलब उसका न्यूमेरिकल पार्ट मैंने पढ़ा दिया, बाकी थ्योरी पार्ट बाकी है। तो फोर्स एंड प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी पढ़ना है यूनिट टेस्ट के लिए? कुछ नहीं बोला है, ओके ठीक है। अच्छा, तो स्कूल में चैप्टर कौन सा शुरू हुआ है, फोर्स एंड प्रेशर ही चल रहा सबका? ठीक, फोर्स एंड प्रेशर, ओके ठीक है। मतलब हम लोग स्कूल से अगर पीछे हैं भी तो एक क्लास पीछे, उससे ज्यादा पीछे नहीं, राइट? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था। तो फोर्स एंड प्रेशर, और जब अगर ये खत्म हो जाएगा तो मैं फ्रिक्शन करा दूंगा उसके बाद। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, और आगे से आपकी क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया बेटा, मैं कह रहा हूँ आगे से आपकी क्लास नहीं लूंगा ऑनलाइन में। ठीक है, पूरा टाइम, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बेटा, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।